उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हुमहामा में बीएसएफ कश्मीर के सहायक प्रशिक्षण केंद्र में सीमा सुरक्षा बल के रिक्रूट कांस्टेबलों की पासिंग आउट परेड सह सत्यापन समारोह में भाग लिया इस समारोह में रिक्रूट पाठ संख्या 124 से 127 के छह रिक्रूटों को सीमा सुरक्षा बल में शामिल किया गया अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने नए रिक्रूटो को बीएसएफ का अभिन्न अंग बनने के लिए बधाई दी और उनसे राष्ट्र और लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी लगन और संवेदनशीलता के साथ निभाने को कहा कुलगाम जिले में सेना का वाहन सड़क से फिसलकर पलट जाने से एक सैनिक की मौत हो गई और नौ सैन्य कर्मियों सहित तेरह लोग घायल हो गए। घायलों में चार नागरिक शामिल हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी हालत स्थिर बताई गई है एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि माना जा रहा है कि तीन से चार आतंकवादियों ने गुलमर्ग सेक्टर में सेना के काफिले पर जानलेवा हमला किया जिसमें दो सैनिकों सहित चार लोग शहीद हो गए तलाशी अभियान जो दूसरे दिन भी जारी रहा शुक्रवार को शाम ढलने पर रोक दिया गया और आज सुबह फिर से शुरू किया गया बारामूला के एस मोहम्मद जैद मलिक ने संवाददाताओं से कहा वहाँ से हमें जो साक्ष्य मिले हैं उनके अनुसार हमले में तीन से चार आतंकवादी शामिल थे बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ रोधी ग्रिड बहुत मजबूत है और सुरक्षा बल सर्दियों के मौसम से पहले घुसपैठ की किसी भी कोशिश को विफल कर देंगे बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर के आई अशोक यादव ने श्रीनगर में संवाददाताओं से कहा सर्दियों से पहले की कोशिशें बढ़ जाती हैं लेकिन सेना के समन्वय से एलओसी ओ ग्रिड बहुत मजबूत है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि घुसपैठ की किसी भी कोशिश को विफल किया जाए इससे पहले श्रीनगर में बी के सहायक प्रशिक्षण केंद्र में चार भर्ती बैचों की पासिंग आउट परेड और सत्यापन समारोह आयोजित किया गया जिसमें बल में छह नए रंगरूटों को शामिल किया गया जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे क्षेत्र में विलय दिवस को धूमधाम से मनाया मुख्य कार्यक्रम जम्मू कश्मीर भाजपा मुख्यालय त्रिकुटा जम्मू में आयोजित किया गया जिसे जम्मू कश्मीर भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष सत शर्मा ने संबोधित किया और महाराजा हरि सिंह को श्रद्धांजलि भी दी व राजपूत सभा के सदस्यों ने जम्मू में विलय दिवस मनाया वह महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के पास एकत्र हुए और उस पर माल्यार्पण किया उन्होंने जम्मू कश्मीर प्रिंसली स्टेट के अंतिम शासक महाराजा हरि सिंह और उन्नीस में भारत संघ में विलय में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को याद किया आज जम्मू में ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जमवाल को श्रद्धांजलि दी गई, जिन्हें कश्मीर के उद्धारकर्ता के रूप में भी याद किया जाता है वे जम्मू कश्मीर राज्य बलों के एक अधिकारी थे जो उन्नीस 1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लड़ते हुए शहीद हो गए थे वे और उनके सैनिक 23 अक्टूबर उन्नीस से छब्बीस अक्टूबर उन्नीस तक तीन दिनों तक उड़ी में अपने पदों पर बने रहे आज भाजपा नेता एवं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्य पंडित सुरेश शर्मा ने पंचायत गराटल की दो मुख्य सड़क मार्ग गराटल केरी रोड और तनोड गोसन रोड पर 10 लाख की लागत से तारकुल बिछाने के काम का शुभारंभ किया ये लोगों की काफी लंबित मांग थी कि अक्सर लोगों को यहाँ पर बरसात के दिनों का काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था इसी साल सुरेश शर्मा ने इसको मंजूरी दिलवाई थी जिनका काम शुरू हो चुका है वहाँ पर सभी उपस्थित लोगों को सुरेश शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि अपनी मांगों को तवज्जो देकर ही कार्य किया जा रहे है बानीपुरा जिले के सुम्बल के सरकारी प्राथमिक विद्यालय चैन मोहल्ला इंद्रकूट इलाके में अपनी खराब हालत के कारण अपने सौ छात्रों को सुरक्षा और शिक्षा के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है स्थानीय निवासियों ने स्कूल की खस्ता हालत पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग से बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी इमारत में दरारें और टूटी हुई दीवारें हैं जिसकी मरम्मत नहीं की गई है संपर्क करने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने इस मुद्दे से अनभिज्ञता की बात स्वीकार की लेकिन आश्वासन दिया की अगर मामला सही पाया गया तो वह इसकी जाँच करेंगे और मामले को सुलझाएंगे